सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें गाइस, प्लीज। तो गाइस, आपको सबसे पहले कोई सा भी VPN एप्लीकेशन को ओपन कर लें, टर्बो VPN या कोई सा भी VPN। तो यहाँ पर मैं VPN को ओपन कर लेता हूँ और गाइस, उसके बाद आपको टैप टू कनेक्ट पे क्लिक करना है, देन ये कनेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद आप सभी को कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, फोटोज पर आना है और यहाँ पर आपका जहाँ पर भी फोटोज़ है आपको वहाँ से यहाँ पर फोटोशॉप को इंपोर्ट करना है। तो आपको यहाँ पर 6 इमेजेस को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपको जस्ट फोटो को सिलेक्ट करना है इस तरह और यहाँ पर आपका फ़ोटो सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप 6 इमेजेस को चूज़ कर लें, देन ऐड पे क्लिक करें। अब यहाँ पर गाइस आप स्लाइड करें, फॉर्मेट पर जाएं, 9:16 रेशियो को चूज़ करें, बैक करें। अब फोटो जो है आपको फ़ोटो लेयर पर क्लिक करें, आप अपना फ़ोटो को टू फिंगर से, दोनों फिंगर से इस तरह जूम कर लें। अब नेक्स्ट फ़ोटो को इस तरह जूम कर लें, यहाँ पर फ़ोटो पे क्लिक करें और इस तरह जूम करें। उसके बाद नेक्स्ट फ़ोटो पे क्लिक करें, इस तरह फ़ोटो को जूम कर लें, फिर से नेक्स्ट फ़ोटो पे क्लिक करके टू फिंगर से जूम कर लें, फिर से इस तरह जूम कर लें। तो इस तरह आपको 6 इमेजेस जूम करने के बाद एंड पे वीडियो मिलता है, ये वीडियो को डिलीट कर दें। अब यहाँ पर ये जो वीडियो होने के बाद आपको क्या करना है, ये फ़ोटोज़ पे क्लिक करना है, स्लाइड करना है, VPN के साथ ज़रूर कनेक्ट करें। और अगर आपको स्टाइल शो नहीं हो रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन से कैपकट लेटेस्ट वाला डाउनलोड कर लें और यहाँ पर स्टाइल को चूज़ करें। अब यहाँ पर 3D जूम प्रो को चूज़ करें, ये जेनरेटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो 3D जूम प्रो लग चुका है, कुछ इस तरह देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट फोटो पर क्लिक करें और आपको स्टाइल पर जाना है, 3D जूम प्रो इस तरह, और ये जेनरेट हो जाएगा और आपको फ़ोटोज़ पे 3D जूम प्रो इफ़ेक्ट्स डाल देते हैं। तो आपको जितना सारा यहाँ पर 6 इमेजेस है, 6 ही इमेजेस पे सिलेक्ट करना है इस तरह। तो यहाँ पर आप 3D जूम प्रो लगाने के बाद कुछ इस तरह देखने को मिलता है आप सभी को, आप देख पा रहे हो इस तरह। अब यहाँ पर गाइस आपको क्या करना है, फोटोशॉप को ड्यूरेशन को 1 सेकंड कर देना है। तो पहला वाला फ़ोटो को क्लिक करना है इस तरह, यहाँ पर ड्रैग करके छोटा करके, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1 सेकंड टाइप लिखा है, तो आपको इसे 1 सेकंड तक कर देना है। अब नेक्स्ट फोटो पे क्लिक करना है, आपको इसे भी छोटा करके 1 सेकंड तक इस तरह कर देना है। तो आपको 6 ही इमेजेस को यहाँ पर 1 सेकंड कर दें, इस तरह फ़ोटो पे क्लिक करें और ड्यूरेशन को कम कर दें। तो मैं कर लेता हूँ 6 इमेजेस पे। तो सबका ड्यूरेशन को कम करने के बाद आप अपलोड का ऑप्शन पर क्लिक करके इसे एक्सपोर्ट कर लें। अब यहाँ पर आपको एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, डाउनलोड कर लें एलाइट मोशन एप्लीकेशन को। और यहाँ पर गाइज आपको 2 प्रोजेक्ट का लिंक मिलेगा, एक पर रहेगा इफेक्ट और एक पर रहेगा जो ऑडियो है, यानी कि मैं आपको इफेक्ट्स दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह आपको इफेक्ट्स रहेगा और एक पर रहेगा आपका जो ऑडियो है उसके अकॉर्डिंग जो आपका मतलब मार्क है, बिट है उसके अकॉर्डिंग मार्क। तो यहाँ पर रेड कलर का मार्क है, तो आपको जस्ट क्या करना है, सबसे पहले आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया का ऑप्शन पर जाना है, एक वीडियो मिलेगा, आपको ये वीडियो को इंपोर्ट करना है। ये वीडियो को इंपोर्ट करने के बाद आप देख पा रहे हो इस तरह ये सेट हो जाएगा पहला बिट मार्क तक। अब यहाँ पर गाइस आपको पहला बिट मार्क मतलब यहाँ पर प्ले का ऑप्शन है, उसके राइट तरफ एक एरो है, लेफ्ट तरफ एक एरो है, तो राइट एरो पर क्लिक करने से आप 1.19 सेकंड पर आ जाओगे। प्लस पर क्लिक करें, मीडिया का ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर गाइस आप जो इमेज पहले मतलब जो आप 6 इमेजेस सिलेक्ट किए उसका सबसे पहला नंबर वाला जो फ़ोटो था उसे आपको यहाँ पर चूज़ करना है। तो यहाँ पर आपको 6 इमेजेस के अंदर जो पहला वाला फ़ोटो है उससे आप यहाँ पर सबसे पहले चूज़ करें। तो मैं फ़ोटो को सिलेक्ट किया, अब प्लस पे क्लिक करने से वो चले आ जाता है। अब यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करें, फिल कॉम्पोजिशन एरिया पे क्लिक करें। अब यहाँ पर जो राइट एरो उस पर क्लिक करने से आप 1.2 सेकंड तक चले आ जाओगे जो नेक्स्ट बिट मार्क है। उसके बाद ये वाला आइकन पर क्लिक करने से जिसपे मैं प्रेस करके आऊँ उस पर क्लिक करने से एक्स्ट्रा राइट का पट कट हो जाएगा, तो आप इसे यहाँ पर इम्पोर्ट कर लें इस तरह। अब इसे इंपोर्ट करने के बाद ये लेयर पे क्लिक करें और यहाँ पर जो एरो देख रहे हो इसे क्लिक करें, कॉपी लेयर करें। अब यहाँ पर उसके बाद जो बिट मार्क उस पर चले आ जाना है आपको, यहाँ पर क्लिक करना है जहाँ पर आप एरो देख रहे हो, उसके बाद पेस्ट लेयर करें। अब वो फ़ोटो को आप क्या करें, नेक्स्ट बिट मार्क तक आप ड्रैग कर लें इस तरह। अब एक आप यहाँ पर फिर से एक फ़ोटो इम्पोर्ट किए, अब इस पर ब्लैक रहने देना है। उसके बाद फिर से आपको इस जगह पर क्लिक करके पेस्ट लेयर करना है, फिर से नेक्स्ट बिट मार्क तक आना है। वो फ़ोटो को इस पर क्लिक करने से एक्सटेंड हो जाता है, तो आप एक्सटेंड कर लें, सॉरी ड्रैग में कह दिया, एक्सटेंड कर लें। तो यहाँ पर अभी आप देखें आपको वो फ़ोटो यहाँ उतरा और यहाँ पर उसके बाद और ब्लैक, उसके बाद ये। अब इस प्रोजेक्ट से निकल आ जाएं, सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर आना है, यहाँ पर जो ये वाला फ़ोटो इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स को ऑप्शन पर जाना है, 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स करना है, इस प्रोजेक्ट से निकल आ जाना है। फिर से आपको बिटमार्क प्रोजेक्ट के अंदर जो ये 3 फोटोज़ है अपना उस पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स को ऑप्शन पर जाना है, 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट,
उसके बाद नेक्स्ट फोटो इफेक्ट्स का ऑप्शन पर थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट, फिर से नेक्स्ट फोटो थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट। ये तीनों ही फोटोज़ पे आप इफेक्ट्स को पेस्ट कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पर जहाँ से आपका 7.06 सेकंड है उस पर आना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया का ऑप्शन पर जाना है और जो आप कैपकट से बनाएं वो वीडियो को यहाँ पर इंपोर्ट करें। वो वीडियो को इंपोर्ट करने के बाद आपको एक्स्ट्रा पार्ट कट कर देना है 13 सेकंड पे। उसके बाद आपका जो वीडियो है बन के रेडी हो चुका है। शेयर का ऑप्शन पर क्लिक करें, 1080 पिक्सल पर एक्सपोर्ट कर लें। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो देख के पसंद आया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। मैं थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ।